नमो बुद्धाय। आज हम लोग सीखेंगे बहुत सुंदर भगवान बुद्ध की एक उपदेश। ये सूत्र उपदेश है संयुक्त निकाय में। ये उपदेश का नाम है भद्रक सूत्र। क्या नाम है? भद्रक सूत्र। भद्रक मतलब एक आदमी का नाम है। एक गांव का मुखिया जी था, उसका नाम भद्रक गामिनी। तो भगवान बुद्ध उसी भद्रक गामिनी को ये सूत्र उपदेश बताए हैं। ये सूत्र उपदेश देते समय भगवान बुद्ध थे मल्ल देश में, उरेल कप नाम का एक छोटा गांव में। उस दिन भद्रक गामिनी भगवान बुद्ध के पास आकर के नमन करके बैठ के एक सुंदर प्रश्न पूछा। नॉर्मली हम लोगों से कोई प्रश्न पूछेगा तो कोई कोई लोग पूछता है, हमारा पास टेंशन है बंते जी, बहुत परेशान है, बेटी का शादी हुआ नहीं, या मेरे आर्थिक दिक्कत अभी तक है। ऐसा आलतू फालतू प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध जी से बहुत प्रश्न पूछते थे लोग। उस समय लोग पूछते थे भगवान बुद्ध जी, हम लोग तो क्रीम पाउडर सेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मुलायम मुलायम वस्त्र वगैरह पहनते हैं, हम लोग शादी उदी करके रहते हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन बिताने वाले हम लोगों के लिए कुछ उपदेश दे दीजिए। ऐसा प्रश्न भगवान बुद्ध जी से बार बार लोग पूछते थे, लेकिन ये भद्रक गामिनी जो पूछा है वो प्रश्न का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? ऐसे हैं तो उसका लक्ष्य होना चाहिए जीवन सफलता बनाना। भगवान बुद्ध इस संसार में जन्म लेने के कारण सारे लोगों को दुख अवबोध करने का मौका मिलता है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा को नष्ट करने का मौका मिलता है। दुख नष्ट होना प्राप्त कर सकता है तथा दुख खत्म करने का मार्ग आर्यष्टांगिक मार्ग प्रयास कर सकता है। ये बात भद्रक गामिनी भी कभी सुने होंगे। उसी समय भारत में हर जगह में भगवान बुद्ध के धर्म सुनाई दे दिया। तो ये भगवान बुद्ध को नमन करके पूछा, भगवान बुद्ध जी मुझे दुख जन्म लेने के बारे में तथा दुख नष्ट करने के बारे में बता दीजिए। क्या है? मुझे दुख कैसे उत्पन्न होता है तथा दुख कैसे खत्म हो जाता है, ये रास्ता मुझे बता दीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत सरल से, बहुत सिंपल से भद्रक को ये बात समझाया। भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्यवान भद्र, मैं आपको ये बात इसी प्रकार से बताया तो कि अतीत में दुख ऐसे जन्म लिया है, अतीत में ऐसे दुख नष्ट हो गया है, अतीत के बारे में मैं आपको बताया तो आपको शक आ सकता है, क्या पता अतीत में जो हुआ हुआ सकता है या नहीं भी हो सकता था। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, भद्रक मैं आपको भविष्य के बारे में बताया तो भविष्य में इसी प्रकार दुख उत्पन्न होता है, इसी प्रकार दुख नष्ट होता है, आपके मन में शक आ सकता है, क्या पता भविष्य में ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
पुण्यवान भद्र, मैं आपको बता दूंगा। जहां आप बैठ के रहता है इसी आसन में से ही दुख कैसे देख सकता है, दुख कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, मैं ये आपको बता दूंगा। ऐसे सुनने के बाद भद्रक बहुत खुश हो गया। इसके बाद भद्रक से भगवान बुद्ध पूछ रहे थे, पुण्यवान भद्रक आप क्या सोचता है, ये उरुवेल कप गांव में कोई कोई लोग हैं, मरने के बाद आपको दुख आता है क्या, किसी को कष्ट तकलीफ परेशान आने के बाद दुख पछता हो, अफसोस चिंता होता है। भद्रक बताया, तथागत इस गांव में कोई कोई लोग हैं, मर गया तो मुझे शोक उत्पन्न होता है, दुख आता है, शायद कोई कोई किसी को आपत्ति आने के बाद मैं रोएगा, चिल्ला चिल्ला के रो सकता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने पूछा, भद्र मैं आपसे ऐसे भी पूछूंगा, इस उरुवेल कप गांव में और लोग होता है लेकिन मरने के बाद आपको कोई दुख नहीं है, वे लोगों को कोई कष्ट तकलीफ आपत्ति होने के बाद आपको आपको कोई चिंता भी नहीं है। गामिनी बताया, हे भगवान बुद्ध जी, ऐसा लोग भी इस गांव में हैं, वे लोग मुझे जिंदा हो गया था भी मर गया था भी कोई फर्क नहीं है, वे लोगों को कुछ भी कष्ट तकलीफ परेशान आ गया था भी मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे कोई चिंता दुख तकलीफ नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध ने पूछा, कमाल की बात है, इस गांव में कोई कोई लोग हैं, उन लोग को आपत्ति दुख तकलीफ होने के बाद रोना पड़ता है, और इस गांव में ही और लोग होता है, मरने के बाद दुख तकलीफ में आने के बाद कोई चिंता नहीं है। ये भद्र बहुत बुद्धिमान है, वो बोलता है, भगवान बुद्ध जी इस गांव में कोई कोई लोग मरने के बाद रोना पड़ता है, दुख शोक अफसोस करना पड़ता है, और लोग हैं मरने के बाद कोई दुख तकलीफ परेशान नहीं, रोना जरूरत नहीं है। वो जो उन लोग को दुख तकलीफ आने के बाद रोना पड़ता है, इसका कारण चंद राग है, मुझे उन लोगों के ऊपर प्यार है, बाकी लोगों को कुछ हुआ था भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि वे लोगों के ऊपर मेरा मन में चंद राग नहीं है, प्यार नहीं है। भगवान बुद्ध बताए, गामिनी यही है धर्म, ये चीज देखिए, बताया उपदेश बहुत हल्का है, किसी को भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आया होगा। अभी जी जो गामिनी आप एक धर्म देखा है, छंद राग के कारण ही दुख उत्पन्न होता है, प्यार से ही, ये अभी डाल दीजिए आप अतीत में, भूतकाल में डाल दीजिए, तथा अनागत में भी, भविष्य में भी डाल दीजिए। भूतकाल में जो कोई दुख उत्पन्न हुआ तो वो सारे दुख इच्छा के कारण ही उत्पन्न हुआ था, और भविष्य में जो कुछ दुख उत्पन्न होता है वो सारे दुख भी इच्छा के कारण ही उत्पन्न होगा, ऐसा अतीत एवं भूतकाल दोनों तरफ से डाल के देखने के लिए बताया। ये सुनने के बाद हम लोग तेज होना चाहिए धर्म अपने से देखने के लिए, अपना जीवन को देखने के लिए। जीवन को देखने के लिए एक चीज का जरूरत है, वो है
स्मृति ध्यान का जरूरत है। लोग जीवन में कितना रोते हैं, कितना अफसोस करते हैं, कितना पछताते हैं, कितना चिंता में रहते हैं, लेकिन ये सारे दुख तकलीफ उत्पन्न होने का कारण अंदर है। भगवान बुद्ध ने बताया, वर्तमान में जिस प्रकार से दुख भोगना पड़ता है वैसे ही है भूतकाल में भी, अतीत काल में भी, भविष्य में भी वैसे ही है। ये सारे दुख का मूल, छंद मूल का, इच्छा मूल होते हुए सारे दुख उत्पन्न हो गया। भविष्य में भी जो कुछ दुख उत्पन्न होगा तो इच्छा के कारण ही उत्पन्न होगा। अगर ये धर्म की रास्ता पे जाने वाले किसी को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक दिन विशाखा, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाली एक महान माताजी विशाखा, दोपहर में बाल भिंगा के भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने पूछा, विशाखा क्या हुआ दोपहर में ये बाल भिंगा के? बताया भगवान बुद्ध जी, मेरी पोती मर गई, मेरे पोती का अंतिम संस्कार खत्म करके हम आ रहे हैं अभी। इसके बाद विशाखा से भगवान बुद्ध पूछे, विशाखा आप वो पोती को बहुत प्यार होता है ना? विशाखा बताए, भगवान बुद्ध जी मैं उस पोती को बहुत ही प्यार करती हूं, घर में रहते समय पूरा घर भरा हुआ रहती है, इधर उधर दौड़ते समय मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछे, ऐसे है तो विशाखा ऐसा और छोटे लोगों को आपका मन में प्यार होगा? वो बताए, हाँ तथागत, मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लोगों को बहुत प्यार करती हूं। इसके बाद पूछे, ऐसे है तो विशाखा आपको पसंद है उत्तर प्रदेश में हर जगह के छोटे छोटे लोग आपका पोता पोती होना अच्छा लगता है? विशाखा बताए, कितना अच्छा है भगवान बुद्ध जी, बहुत अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछा, विशाखा एक दिन में ये श्रावस्ती में कितना लोग मर जाता है, कितना छोटे लोग मर जाते हैं उत्तर प्रदेश में? वो बताए, भगवान बुद्ध जी ये श्रावस्ती प्रदेश बहुत विशाल है, एक दिन में दो मर जाता है, तीन मर जाता है, कभी कभी छह सात मर जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसे है तो विशाखा ये श्रावस्ती प्रदेश के सभी लोग, बच्चे लोग आपका पोता पोती हो गए तो हमेशा आपको बाल भिंगा के रहना पड़ेगा। ये बात बोलने के बाद विशाखा को तुरंत समझ में आ गया, तुरंत वो बताए, हे भगवान बुद्ध जी मुझे एक भी पोता या पोती का जरूरत नहीं है। अगर आजकल ऐसे बात बताया तो किसी को समझ में आएगा? बुद्धिमान लोग अभी संसार में है ही नहीं जैसा है, बहुत ही कम है। कोई कोई लोगों को इस संसार में जब तक जन्म लेता है तब तक उसी प्रकार दिक्कत मिल जाता है, दुख तकलीफ मिल जाता है। वे लोगों को धर्म की बात बताया तो, भगवान बुद्ध की बात बताया तो समझ में नहीं आता है, उन लोगों को रोना चाहिए, चिंता करना चाहिए, हम अभी क्या करें,
हमारा ऐसा घटा हो गया, रोता है। लेकिन देखिए, बुद्धिमान लोग को ये सत्य समझ के बिना रोके आंसू पोंछ कर रह सकता है। ये आर्य सत्य भद्रक गामिनी को भी समझ में आ गया। भद्रक गामिनी बताता है भगवान बुद्ध जी, मेरा बेटा का नाम है चिरवासी। मेरा बेटा दूर एक स्कूल में बोर्डिंग किया है, हॉस्टल में डाल दिया। मैं सुबह सुबह कोई आदमी को चला देता है बेटा को लेके आने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध जी, अगर मेरा बेटा थोड़ा देर हो गया तो, लेट हो गया तो मेरा दिल बहुत दुखता है, मेरा बेटा को क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया है। शाम होते होते मैं रास्ता को देखते रहता हूं। सुबह सुबह पिटा दिया आदमी, अभी तक कहां गया, अभी तक नहीं आया, ऐसा इंतजार करके रहता हूं। ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी छंद राग के कारण ही उत्पन्न होता है, इच्छा के कारण, प्यार के कारण। भगवान बुद्ध ने बताया, भद्रगामिनी, आपका वो चिरवासी बेटा अगर जल्दी से मर गया तो, कोई कष्ट आ गया तो क्या होगा। गामिनी बताते हैं, भगवान बुद्ध जी, अगर ऐसे हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उतना ही मुझे दर्द मिलेगा। क्या पता, मुझे मालूम नहीं मेरा जीवन को भी जिंदगी को भी क्या होगा। उस समय भगवान बुद्ध ने बताया, भद्र, आप ये कारण ऐसा सोचिए, मैं ये उत्पन्न होने वाले दुख, तकलीफ, शोक, पछताव हटा के कैसे जीवन बिता सकता हूं। ऐसे सोचने से इसी प्रकार समझना चाहिए, जो कोई दुख इस संसार में उत्पन्न हुआ तो वो सारे दुख छंद मूलकं, इच्छा मूलिक होते हुए बन गया है, छंद निदान। इसका कारण, सारे दुख का कारण इच्छा, छंदो ही मूलं दुख से, ये दुख का मूल, दुख का जड़, दुख का कारण इच्छा ही है, और कोई नहीं है। हम लोग भी जो कुछ दुख भोगते हैं इसी कारण से, हम लोगों को ये धर्म अवबोध नहीं होता है इसी कारण से। आप लोग सुने होंगे बंधुल मल्लिका के बारे में। बंधुल मल्लिका का घर में एक महासंगदान तैयार हो गया। भंते लोग घर पे आने के बाद भोजन पूजा करते रहते समय एक आदमी हड़बड़ा के घर के अंदर आके बंधुल मल्लिका देवी को एक लेटर दे दिया। बंधुल मल्लिका ये लेटर पढ़ के अपना कमर में घुसा दिया, कमर में रख दिया, रख के फिर खाना बांटने लगे। उनका मन में कोई फर्क नहीं हुआ पढ़ने के बाद चिट्ठी। उस समय जो सब्जी बेच के बेच सब्जी बांट के रहती थी एक नौकरानी, उसी नौकरानी का हाथ से सब्जी गिर गया बर्तन। गिरने के बाद बंधुल मल्लिका वो नौकरानी को तुरंत देखा। देखने के बाद सारिपुत्र बंते जी ने बताया बंधुल मल्लिका, इस संसार में सब कुछ टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, छोड़ दीजिए। इसके बाद बंधुल मल्लिका बोलती है, बंते जी,
ये मुझे एक चिट्ठी मिला, चिट्ठी पढ़ लीजिए। अपना कमर से निकाल के चिट्ठी दिखाया। मेरा पति तथा 30 मेरा बच्चा बच्चे लोग उपाय से कुमंत्रण करके कौन तो मार दिया मेरा बच्चों को तथा मेरा पति को, फिर भी मैं कंपित नहीं हुआ, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, दुख नहीं आया, क्योंकि मैं इस संसार का तरीका, संसार का स्वभाव मैं अवबोध की हूं। मैं अपना मन को शांत बना के भोजन पूजा की हूं। देखिए, ये धर्म जो अवबोध करता है, प्राप्त करता है, वे लोगों को जीवन कैसा है, कभी कंपित नहीं होते हैं। जो धर्म की रास्ता पे हैं, वे लोग ऐसा रहता है। अगर आपको ये बात हुआ तो भोजन बांटते समय तुरंत सब्जी फेंक के, भोजन फेंक के, बाल ढीला करके पूरा गिरूर के रोना रोना लगता है, रोना पड़ता है, अरे बंते जी देखिए हम आप लोग भोजन किया, पूजा किया, पुण्य किया, फिर भी मुझे ये सब खोजता है क्या, ऐसे करके बंते लोगों को भी डांट सकता है आप लोग शायद आज कल लोग। तो हम इतना पुण्य किया, इतना ध्यान साधना किया, फिर भी मुझे क्यों ऐसे हुआ, पूरा धर्म को भी डांटने लगता है आज कल लोग। लेकिन असलियत में धर्म की रास्ता पे जो है उसका जीवन जितना कष्ट पीड़ा आ गया तब भी वो अपना धर्म की रास्ता पे रहते हैं। लेकिन जो धर्म की रास्ता पे नहीं है वो तुरंत अपना धर्म को भी डांटना शुरू कर देता है, दूसरा धर्म में चल जाता है। भगवान बुद्ध भद्र गामिनी को सोचने के लिए और एक कारण बताया। उन्होंने पूछा, गामिनी वो चिरवासी आपका बेटा, बेटा का मां के बारे में सोचिए। चिरवासी बेटा का मां मतलब भद्रक गामिनी का पत्नी। भगवान बुद्ध पूछते हैं, भद्रक अगर वो आपका पत्नी चिरवासी का मां के बारे में कभी सुनाया तक नहीं है, तो कभी देखा तक नहीं है, तो उसके बारे में आपका दिल में कोई प्रेम प्यार राग स्नेह नहीं है, तो ऐसे सोचिए, नहीं ऐसा कभी सुना तक नहीं, देखा तक नहीं, कोई प्यार भी नहीं है। ऐसा हो गया तो कभी आपको उसके ऊपर प्यार उत्पन्न होता है, कभी नहीं। अगर जिस दिन आप उन्हीं को देखा है, उस उनके बारे में जानकारी हो गया, उसी दिन से आपका बंधन प्रेम स्नेह उत्पन्न हो गया। देखिए कितना सत्य है ये। कोई कोई लोग अपना प्यार वाली पति या पत्नी को कोई कष्ट आ गया तो, अगर मर गया तो जीवन भर पागल हो जाता है, इतना ही ये बंधन खतरनाक है। हम लोगों को जो कुछ हम लोग से छूटने के बाद, विदा होने के बाद हम लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि हम लोग को अपना मन शांत नहीं करवा सकता है, क्योंकि हम लोग जो प्रसन्न करता है, प्यार करता है, वो चीज बदलते जाता है हमेशा, लेकिन वो हम लोग अवबोध नहीं किए हैं। हमारे ये जो प्यार की चीज है वो सब बदलते रहता है। ऐसे हो गया तो क्या होगा,
प्यार करते करते रहना पड़ेगा। ऐसे है तो ये हर एक दुख कैसे उत्पन्न हुआ? हम सभी लोग जो बदलते रहता है वैसा चीज को प्यार करते हैं, इच्छा उत्पन्न करता है। ऐसे नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत के सामने बिना पछताव बिना दुख से अच्छे से रह सकता है। जिस दिन आप अपना जीवन में जो कुछ पर प्यार है, आसक्त है, राग है, वो सब छोड़ दिया तो उसी दिन छोड़ दिया तो मतलब असलियत समझ गया तो उसी दिन आपका मन में दुख आपको त्याग कर देगा। आसक्त के कारण दुख उत्पन्न होता है। इसके बारे में भगवान बुद्ध एक दिन बंते लोगों को बताया एक सुंदर उदाहरण उपमा। एक लड़का है, वो एक लड़की साथ प्यार करना शुरू किया। अब ये लड़का को कोई किताब पढ़ लिया था भी तुरंत दिखाई देता है वो लड़की, तथा और कोई लड़की को देख लिया था भी अपना गर्लफ्रेंड को याद आता है, फिल्म देख लिया था भी मन में आता है अपना जो प्यार वाली लड़की साथ गाता है, घूमता है, खेलता है, ये सब हमेशा याद में है, हमेशा मन में आते रहता है। मगर एक दिन ये लड़का को दिखाई दे दिया अपना गर्लफ्रेंड, अपना प्यार वाली लड़की दूसरा एक लड़का के साथ हाथ पकड़ के जा रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, उसी समय वो लड़का का मन में कैसा विचार आएगा? बंते लोग बताया भगवान बुद्ध जी, उस समय वो लड़का को बहुत दुख आएगा, शोक आएगा, बहुत चिंता पछताव आएगा। शायद पता नहीं क्या होगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, किसलिए वो लड़का को दुख शोक पछताव आ गया? बंते लोग बताए भगवान बुद्ध जी, वो लड़का वो लड़की को प्यार करता है। वो लड़का सोचता है हमेशा वो लड़की अपना वश में रहेगी, अपना पास रहेगी,